ये बीजू पौधा, बीजू पौधा है और इसका किस प्रजाति का है ये पता नहीं, ना हमको पता करना इसके लिए जरूरी है कि किस प्रजाति का। बस ये स्वस्थ होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब आपको लगेगा कौन सा इसमें जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो ये इसको रूट स्टॉक बोलते हैं, रूट स्टॉक का। और ये बीजू होता है, और ये देखिए चौसा आम, ये चौसा का है, ठीक है ना, ये पूरी चौसा का है, इसको साइन बोलते हैं। तो इसको करते क्या है कि हम इसके पुराने पेड़ पर, जहां पे पुराना पेड़ है उसके डाल पे चढ़ करके, जैसे मान लीजिए ये पुराना पेड़ है उस पे चढ़ करके, जैसे हम बता देते हैं आपको कि उसमें कैंची से इसको काटते हैं पुराने पेड़, और फिर ये एक सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। जब उसमें आंखें बनने लगे तब ये साइज तैयार हो जाता है, तो वहां से काट के लाएंगे। फिर हमें इसमें जोड़ना है, तो देखिए यहां से काटेंगे इसको, ये काट दिए, ठीक है ना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे हमको मान लीजिए सपोज करिए एक बड़ा पेड़ है उसकी साइन कर्म बनाना है, तो यहाँ से ही हम ये कैंची से इसको काटेंगे, यहाँ से इस तरीके तोड़ेंगे नहीं, काटेंगे, एक सप्ताह छोड़ देंगे तो अपने आप फूट फूट के गिर जाएगा और इसमें से आंखें निकलने लगेंगे। फिर हम इसके बीचों बीच एक चीरा लगाएंगे, चीरा लगाने के बाद ये हो गया बी कट का, बी आकार बना, इसको इसीलिए इसको बी ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। और ये है इसका साइन, साइन बोलते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है, ये पौधे का पुराने पौधे की नई शाखा होती है, और जो इसको इस तरीके से काट देते हैं तो होता क्या है कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, वैस्कुलर ऊतक जिसको बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू होता है, और इसमें भी वैस्कुलर टिश्यू होता है, उसी को हम एक साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं। ये देखिए तैयार है, इसके अंदर हम इसमें पका देंगे यहां, और इसको ये सेट इसमें बैठ गए। इस पॉलीथीन की सहायता से हम नीचे से शुरू करेंगे और इसको लपेटते जाएंगे, इस तरीके से लपेटेंगे कि ये बिल्कुल इसी में सेट बैठ जाए और इसमें हवा ना जाने पाए, हवा या पानी गया तो ये सड़ा, और इसके बाद यहां से बंद कर देंगे, फिर नीचे की तरफ ले आएंगे। इस तरीके से हम लपेट देंगे इसको, और लपेटने के बाद इसको अब ये ऐसे ही पड़ा रहे, ये कहीं नहीं जाए। और इसमें कौन सा पौधा लगा है, चौसा का लगा, और यहाँ पे चौसा तैयार हो जाएगा धीरे धीरे, दस पंद्रह दिन के बाद आके निकलने लगे। फिर हम इसको काटेंगे, तुरंत नहीं काटेंगे, अब एक आध हफ्ता का हो जाए तब हम इसको काटेंगे, और यहाँ काट करके करके दूसरी जो प्रजाति है, ये राम केला प्रजाति है, राम काला इसका नाम है, जो अचार के लिए जानी जाती है, उसको यहाँ जोड़ते हैं। तो ये दो प्रजाति इसमें जुड़ जाएगी, जैसे हम इसको यहां से काट देते हैं, और इसमें भी उसी तरीके से चीरा लगाएंगे, और
राम काला पदार्थ का ये है, ये बहुत बड़ा है तो इसको हम छोटा भी कर सकते। ठीक है ना, इसका वैस्कुलर टिश्यू और इसका वैस्कुलर टिश्यू जब एक में मिल जाता है तब दोनों से राशन पानी जो है जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम नीचे से जल सोखता है और जब उसमें से वैस्कुलर टिश्यू जुड़ जाएगा तो उसी से होता हुआ उसको पानी ऊपर मिलने लगेगा। पानी में क्या मिला होता है, पानी में पोषक तत्व तो होते हैं जो जमीन में डाले जाते हैं और उसी पास उसी में घुलनशील हो करके वो उसको पानी भी मिलता है और पोषक तत्व भी मिलता रहता है। और इसके ऊपर जो है पत्तियां निकलती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती हैं, वो भोजन जड़ को भी मिलता है और तने को मिलता है और उससे जो ज्यादा बच जाता है वो फलों में परिणित हो जाता है जैसे आम बन जाएगा और फिर वो पूरे दुनिया के लिए